गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर आज हम स्टडी करते हैं इंटरसेप्शन एफिशिएंसी के बारे में। इंटरसेप्शन एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सिंचाई का काम चल रहा है या सिंचाई अभियान चल रहा है या आप कह सकते हो इरीगेशन प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर जो लैंड एरिया है जहाँ पर इरिगेशन हो रहा है तो वहाँ पहले ही चेक किया जाता है कि जो वाटर का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो कि इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसे कुछ कंटेनर्स के अंदर अलग अलग एरिया से उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में अलग अलग कोनों से कलेक्ट किया जाता है अलग अलग कंटेनर्स के अंदर, और जितना पानी अबव द ग्राउंड इरीगेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्शन एफिशिएंसी है ये हमें परसेंटेज ऑफ वाटर के बारे में आइडिया देती है जो कि रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एरिया में इरीगेशन फैसिलिटी कंप्लीट करने के लिए, तो इसे कहा जाता है इंटरसेप्शन एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन सिस्टम। अब ये फाइटोप्लैंक्टन सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो स्टेम है वो लीफ लाइक हो जाता है या फिर फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है स्टेम, और इनके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर जो है स्टेम का वो फ्लैट और लीफ के जैसा दिखने लगता है। ये जो स्टेम है इसका मेन फंक्शन तो है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल की भी अवेलेबिलिटी है और ये वाटर को स्टोर करने का भी काम करता है। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे भी अवेलेबल होते हैं, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ शेप्ड कॉलम भी कहलाता है, यानी कि ये जो फिलोक्लेरिक स्टेम है इन्हें लीफ लाइक कॉलम भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल हम प्लांट ले सकते हैं रस्कस है, ओपंशिया है, इस टाइप के प्लांट्स के अंदर फाइलोक्लेरिक स्टेम या फिर लीफ लाइक कॉलम की अवेलेबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एंडेमिज्म। देखिए एंडेमिज्म का जो एक और मतलब है, वर्ड हम काम में ले सकते हैं स्पेशलाइज्ड जोनिंग। स्पेशलाइज्ड जोनिंग का मतलब है कि जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है वो एक निश्चित एरिया के अंदर ही रहेंगी, वहीं पर वो सर्वाइव कर सकती हैं, वहीं का एनवायरमेंट उनके लिए सूटेबल है, या आप ये कह सकते हैं अपने जीवन काल में वहाँ रहते रहते वो उस पर्टिकुलर एरिया के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर चुकी हैं, खुद को अनुकूलित कर चुकी हैं, तो वहीं पे वो इजीली सर्वाइव कर सकती हैं, वहीं पे इजीली अपनी जनरेशन आगे डेवलप कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर एरिया का एनवायरमेंट जो है वही उनके लिए हेल्प करता है। तो पर्टिकुलर एनवायरमेंट या स्पेशलाइज्ड जोनिंग को एंडेमिज्म कहा जाता है, तो ये टर्म है एंडेमिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आ जाता है बीओडी। बीओडी का पहले तो हम फुल फॉर्म जाने, बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो इसका मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज बाय डीकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिक रेसिड्यू। यानी देखिए अगर किसी जलाशय के अंदर, किसी वाटर बॉडी के अंदर छोटे प्लांट्स हैं या एल्गी हैं वो डेवलप हो रही हैं, तो कुछ समय के बाद में उनका थैला जो है वो डिग्रेड होने लगेगा, उसकी डेथ होने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ उस वाटर बॉडी के अंदर जो डेवलप होने वाले दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए वो डेड बॉडीज एल्गी की फूड मटेरियल का काम करती हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेंगे समय के साथ में उस डेड बॉडीज को, एल्गी की डेड बॉडीज को डीकम्पोज करने लग जाएंगे, खाने लग जाएंगे। अब डीकम्पोज करने के लिए उन्हें रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, खुद के सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और डीकम्पोज करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो डीकम्पोज ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगी, वाटर के अंदर डिजॉल्व होने की वजह से ही आएगी। अब क्या होगा धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज में आने लग जाएगी, तो उससे क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब उस डेड बॉडी एल्गी की डेड बॉडीज को डीकम्पोज कर रहे हैं, अब उस ऑक्सीजन की वजह से उनको फूड मटेरियल डीकम्पोज करने में हेल्प मिल रही है, साथ में उनकी पॉपुलेशन भी डेवलप होने लग जाएगी और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी जो क्वांटिटी है
वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट है ऑक्सीजन का उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, वो यूज में आ रहा है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज में आ रहा है। किस काम के लिए यूज में आ रहा है, अपने जनरेशन डेवलप करने के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बीओडी, से शॉर्ट में बीओडी कहा जाता है। चलिए एक और वर्ड पे आते हैं हम, अगला शब्द है होमियोस्टेसिस। अब देखिए होमियोस्टेसिस का मतलब ये है, इसे हम कॉन्स्टेंट स्टेट या फिर स्टडी स्टेट भी कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो आपस में एक तालमेल बिठाते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिजर्वेशन हो जाता है किस चीज़ का, नियरली कॉन्स्टेंट स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट इन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर या इस टाइप के एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो इनपुट एंड आउटपुट है वो इक्वल रहता है, तभी क्या डेवलप हो जाता है, इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस डेवलप हो पाता है। यानी यहाँ पर इनपुट आउटपुट जो है मटेरियल का या फूड मटेरियल पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं, तो उसका इनपुट आउटपुट ये इक्वल रहना चाहिए, तो यहाँ पर डेवलप क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस। तो यहाँ हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया पेपर नंबर 1 के लिए, जो कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कुछ और स्टडी करेंगे। थैंक यू।